उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में सपा नेता के फार्म हाउस पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले तो नाबालिग लड़की को उसके पड़ोसी गांव के रहने वाले एक लड़के ने शादी की बात कहकर धोखे से घर से बुला लिया और फिर एक पूर्व सपा नेता के फार्म हाउस पर बंधक बनाकर पूरी रात उसके साथ रेप किया, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित नाबालिग लड़की ने इस पूरी घटना की सूचना फोन पर अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पीड़ित लड़की को थाने ले जाकर आरोपी युवक बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रकरण थाना सिंभावली में जो है, ये जैसे ही सूचना मिली कि ये घटना एक लड़की के साथ हुई है, तत्काल उनके परिजनों द्वारा बताने पर, उनके द्वारा लिखित तहरीर देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ लड़की को मेडिकल के लिए और अन्य समस्त विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। साथ ही 5 टीमें जो है रात से ही दबिश के लिए लगातार इनमें गिरफ्तारी के प्रयास चल रहा था, जिसमें हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार करके उसको हम जेल भेज रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट।